हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पिज़्ज़ा बन की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत आसान है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें बारीक चॉप शिमला मिर्च लेंगे 2 चम्मच। सारी चीज़ें हमने बारीक चॉप की हुई है। 2 चम्मच प्याज लेंगे, ये भी बारीक चॉप किया हुआ है। और ये स्वीट कॉर्न लेंगे, ये भी 2 चम्मच लेंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें चीज ऐड करेंगे, ये मोजरेला चीज है, इसे 5-6 चम्मच लेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। चीज आप ज्यादा भी डाल सकते हो, मैंने इसमें 5-6 चम्मच चीज डाली। इसमें स्लाइस भी डाली ऐड करेंगे। और इसमें पिज्जा सॉस डालेंगे 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी फटाफट बनने वाली है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम गार्लिक का सीजनिंग ऐड करेंगे, ये भी 1 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये सीजनिंग नहीं हो तो आप ओरिगानो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते। इसमें हम पिज्जा सीजनिंग ऐड करेंगे 1 चम्मच। और इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये भी 1 चम्मच। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। ये टॉपिंग रेडी हो गई है, इसको हम साइड से रख देंगे। हम ये बन लेंगे जो बर्गर बन मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, इनको लेंगे। हमने ये 2 बन लिए हैं, हम 2 से बना रहे हैं। आप ज्यादा भी ले सकते हो अगर ज़्यादा आप बनाना चाहो तो। इसको हमें पूरा नहीं काटना है, हम आपको बताते जाते कैसे कैसे काटना। साइड से थोड़ा थोड़ा काटा, नीचे इतना छोड़ना है, पूरा नहीं काटना, इतना इतना छोड़ना है, 1-1 इंच के करीब छोड़ना है नीचे। और फिर इधर से भी ऐसे काटना है। हमने इसको अच्छे से काट लिया, हर तरीके से ऐसे ही काटना है, बिल्कुल अलग नहीं करना है इसको। इस टाइप से काटना है, जो स्टफिंग भरना है तो हमने जो काटा है इसके अंदर भरनी है। हम आपको दूसरा बन भी काट के दिखाते हैं। ये दूसरा भी काट लिया है। अब हम इसमें बटर लेंगे, हमने ये मेल्टेड बटर लिया है। इसमें थोड़े और ये वो चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ी सी गार्लिक सीजनिंग ऐड करेंगे। चाहे आप तो गार्लिक को लेके ग्रेटेड करके इसमें ऐड कर सकते हो, या गार्लिक पाउडर भी आता है वो भी डाल सकते हो। अब इसमें हम ब्रश की हेल्प से बटर लगाएंगे। बहुत आराम से ये चीज करनी है, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। हम दूसरी ब्रेड पे भी अच्छे से बन पे बटर लगा लेते हैं।
हमने ब्रेड बन पे अच्छे से बटर लगा लिया है। अब हम जो स्टफिंग जो हमने रेडी की है, स्टफिंग को इसमें भरेंगे। थोड़ी फिंगर की हेल्प से थोड़ा इसको खोलना है और इसमें स्टफिंग भरनी है। आराम से ये भरना है, नहीं तो बन टूट ना जाए, इसलिए आराम से ही करना है। जो टॉपिंग इसमें आराम से भर ली है, हर जगह से इसमें टॉपिंग भर गई है। आप एक्स्ट्रा चीज खाते हो तो उसमें चीज स्लाइस लेके ऐसे साइड में छोटे छोटे टुकड़े लेके इनके बीच में ऐसे लगा दो और थोड़ा सा प्रेस कर दो जिससे अंदर चले जाए। ये हमने एक रेडी कर लिया है, दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। अब ये बन दोनों रेडी हो गए हैं, अब इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाएंगे आराम से। आप चाहो तो फिलिंग इसके अपनी फिंगर से भी भर सकते हो, जैसा आपको इच्छी लगे वैसा आप इसके अंदर स्टफिंग आराम से फिलिंग को भर लो। हमने इसके ऊपर बटर लगा दिया है, अब थोड़ी सी चीज की स्लाइस को हम थोड़ा अंदर को प्रेस कर देना। इसको अंदर को प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। हमने 10 मिनट के लिए फ्री हीट ओवन करके रखा है, 180 पे इसको टेम्परेचर रखा था, दोनों रॉड ऑन रखी है और 10 मिनट के लिए रखा था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ओवन में रखते हैं। 5 मिनट के लिए ओवन में, हमने ओवन में बन पिज्जा रख दिया है 5 मिनट के लिए। बस आपको ये देखना है कि आपकी चीज़ मेल्ट हो गई है तो आपका चीज बर्गर पिज्जा रेडी हो जाएगा। ये चीज़ ही बन पिज्जा रेडी है, हर तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अभी बहुत गर्म है और उसके ऊपर थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप क्या बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और इस पे अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप कमेंट में हमें बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।